हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मीठू। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे हम इस तरह से लंबे और पतले करके काट लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके साथ मैं मिला रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। एक प्याज को मैंने स्लाइस करके काट लिया है, और थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया, और थोड़ा सा लिया है गाजर, इसे भी हम लंबे और पतले करके काटे हैं, और 1/2 कैप्सिकम, इसे भी हम लंबे करके काट लिए हैं, और स्प्रिंग अनियन का जो हरा पार्ट है वो हमने लिया है 1/2 कप चॉप करके, और 1 टेबल स्पून लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, और 2-3 हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैं एक बोल में ले रही हूँ 1.5 कप बासमती राइस। ग्राम में अगर देखें तो ये 300 ग्राम है। अब हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे। इसे हम भिगो कर नहीं रखेंगे, बस 2-3 मिनट पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे। और इधर मैंने एक पातीला में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब पानी में उबाल आने लगेगा तो हम इसमें चावल को डाल देंगे, और इसके साथ हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि चावल जो है थोड़ा सा सॉल्टी हो जाए। और चावल को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे हम 90% पकाएंगे, नहीं तो चावल जो है खिले खिले नहीं बनेंगे। जब कभी चावल बच जाते हैं तो उस चावल से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये चावल जो है पक चुके हैं, तो अब हम इसे छान लेते हैं, मतलब इसका जो पानी है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमने चावल को छान लिया है, और इसे इस तरह से फैला कर रख दीजिएगा। तो इधर मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 अंडे, और इसके साथ हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फेटा हुआ अंडे को डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे, और इसे इस तरह से हम स्क्रैम्बल कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। चिकन फ्राइड राइस में थोड़ा सा अंडा ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हमारा अंडे फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून तेल। तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें मैरिनेट करा हुआ चिकन को डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा उलट पलट करके और लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7 से 8 मिनट लगेगा। तो चिकन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून तेल। तेल को पहले गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसे थोड़ा सा चला लीजिए। अभी फ्लेम को हम हाई रखेंगे, फिर हम इसमें प्याज को डाल देंगे, और इसे भी थोड़ा सा चला लीजिए। और इसके साथ हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसे बाकी सब्जियों को भी डाल देंगे, गाजर, कैप्सिकम और पत्ता गोभी, और इसे हम एकदम हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे। सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके साथ हम 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन और अंडे को डाल देंगे, और इसे भी एकदम हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे। 1 मिनट टॉस करने के बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें बॉयल करा हुआ चावल को डाल देंगे। इसके साथ हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके साथ मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनीगर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन। तो लीजिए, तैयार है हमारा चिकन फ्राइड राइस। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चावल अगर पहले से बना हुआ है तो ये जल्दी बन जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।